में लापरवाह अधिकारियों को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। अधिकारियों और कर्मचारियों की किसी भी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। इस बीच राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने रोहतक नगर निगम में रेड की। उन्होंने रात को दफ्तर दोबारा खुलवाकर रिकॉर्ड को खंगाला। साथ ही कर्मचारियों और अधिकारियों को घर से वापस भी बुलाया गया। वहीं मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को किसी भी काम के लिए चक्कर न लगाने पड़े। देखिए, हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो है स्वच्छता को लेकर है, तो मैं एक बात कहूँगा, आज रोहतक के अंदर बैठा हूँ, मुझे रोहतक की बिल्कुल सफाई व्यवस्था चाहिए। मैं आज बोल के जाऊँगा अधिकारी को, हंड्रेड पूरे प्रदेश की चाहिए। हम इसके बिल्कुल क्या दिया है, जहाँ भी अभी सफाई के नाम पर हमें कहीं पर शिकायत मिलेगी किसी प्रकार की, तो उसको हम एकदम आज हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी प्रदेश के अंदर, कल मैंने दे दी कि जहाँ पर स्वीपर की कम है, 400 रुपये हम एक स्वीपर रखते हैं, कहीं पर व्यवस्था की कमी है तो आप अपने DMC लेवल पर अपना टेंडर कर लीजिए, स्टेट लेवल पर अपने भेजना वहाँ भेजिए, तो इसको पूरा 10 दिन के अंदर आप 15 दिन में करके। बताया जा रहा है कि स्थानीय निकाय विभाग को शिकायत मिली थी कि रोहतक नगर निगम के तहत आने वाली राम गोपाल कॉलोनी के कुछ अनप्रूव्ड प्लॉटों को गलत तरीके से अप्रूव किया जा रहा है। मामले में मंत्री सुभाष सुधा ने अधिकारियों कर्मचारियों से बातचीत करके शिकायतकर्ता को NDC दी। वहीं मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि ये नायब सरकार है कि रात को भी शिकायत सुनी जा रही है और दफ्तर खुलवाकर समाधान किया गया। तो आपके सामने देखो, ये हमारी नायब सिंह की सरकार, हरियाणा सरकार, जो जनता को अभी 8 बजे भी यहाँ पर बैठ के सेटिस्फाई करने आई है, हमारे अधिकारियों ने किया। देखिए, आप किसी को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने वहाँ पे प्रूव कर दिया ऑनलाइन सिस्टम में, हमने वहाँ पे इसको ठीक कर दिया बिल्कुल, तो करने के बाद हमारे अधिकारियों के पास नहीं ज्ञान होगा, तो अब इनको मैंने अधिकारियों को सेटिस्फाई कर दिया है। इधर से ये मेरे को बोले थे कि हम लोग, मैं कहा विद इन 10 दिन 15 डेज आए, ये बोले हम यहाँ नहीं आए, आज से 10 महीने पहले आए थे, तो काम तो एक दिन भी होता रहा तो पता रह जाता है, तो विद इन हमने 15 डेज हम उसको काम को दिन रात वहाँ कर रहे हैं। हरियाणा सरकार लगातार काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को न केवल चेतावनी दे रही है बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए अब तक कई अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया, जिससे कि हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन और लोगों को सरकारी काम कराने में कोई परेशानी न आए। रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।